बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड पीपर जॉब्स एमसीके यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जॉब्स आई हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपके पास भी इसका ये एड होगा, ये एड आपके सामने मौजूद है। इसमें 209 जॉब्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की हैं। असिस्टेंट की जॉब्स हैं, इसके अलावा साइबर असिस्टेंट की है, कम्युनिकेशन असिस्टेंट की है, स्टेनो की है, इसके अलावा ऑपरेशनल सपोर्ट टेक्नीशियन की है, अपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, टेक्नीशियन है, ड्राइवर है, डिस्पेच राइडर है, डुप्लिकेटिंग मशीन ऑपरेटर है, इसके अलावा नायब कासिद है और सैनिटरी वर्कर है। तो ये सारी जॉब्स आई हुई हैं। इसके लिए एज जो शर्त है 18 से 30 या 35 साल एज है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है, तो इस सारी की तफसील जो है मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगा तफसील के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इन्होंने जो ये दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो लिंक है ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस पे आपने जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जैसा कि मैं आप सबको दिखाता चलूँ। ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपने अपना पिक्चर जो है अपलोड करना है, यहाँ पर आपने अपने ख़ुद का पिक्चर जो है अपलोड करना है, इसके अलावा अपने CNIC का पिक्चर भी अपलोड करना है, उसके अलावा आपने अपने डोमिसाइल का पिक्चर भी अपलोड करना है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट हैं। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है वो यहाँ इसमें जो है सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर फादर नेम लिखना है कैपिटल लेटर में। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन में जाते हैं, यहाँ पर आप का जो एज रिलैक्सेशन है तो इस हिसाब से तो फिर आपका जो है क्या होगा ये बनेगा। तो इसमें आपने एक को सेलेक्ट करना है, अगर कोई भी नहीं है तो नॉट एक्सेप्टेबल पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने जो है अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पर आपने जेंडर लिखना है, मेल हो फीमेल हो, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन लिखना है, मजहब कौन सा है, अपना CNIC नंबर देना है लेकिन डैश के बगैर देना है, यहाँ पर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं है तो नो करना है, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल का जो है डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो लिखना है, यहाँ पर आपने माइनॉरिटी हो गैर मजहब से हो तो यस करना है, नहीं हो तो ये करना है, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद नीचे जो है कॉन्टेक्ट रेजिडेंस, यहाँ पर आपने जो है अपने घर का नंबर देना है, जो भी हो दूसरा नंबर दे दें, यहाँ पर ख़ुद का नंबर देना है, ईमेल देना है, यहाँ पर आप टेस्ट सेंटर देख सकते हैं कि 4 टेस्ट सेंटर होंगे, 5 इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, पेशावर है, क्वेटा है, जो आपके नज़दीक वो देना है। यहाँ पर सिर्फ आपने क्या लिखना है, जो आपके AS डिग्री हो, बिचलर है, मास्टर है, BA लिखना है, MA लिखना है, इस तरह से FE लिखना है, मेट्रिक लिखना है, जो भी आपने लिखना है। यहाँ पर अभी आते हैं, जैसा कि आप इन सब को फिल करेंगे, इनको खाली छोड़ देंगे तो यहाँ पर आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर नहीं होगा। तो फिर आपने क्या करना है, आपकी जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, नील लिखना है, सही है फ्रेंड्स। यहाँ पर डिपार्टमेंट भी नील लिखना है, डिजिग्नेशन भी अगर किसी का है तो लिख लें, नहीं है तो नील लिखना है। यहाँ पर ईयर पर आएंगे तो यहाँ पर नील नहीं लिखा जा सकता, यहाँ पर ज़ीरो लिखना है। इन सारों को जो है चेक मार्क लगा देने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। ये अप्लाई आप मोबाइल के ज़रिए भी कर सकते हैं। जो बंदे जो सब्सक्राइबर मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पर इसको ये लिंक मिल जाएगा, सीधा ये फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से इसकी जो है अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में जो है आपको एक पिक्चर शो होगा कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग, इस तरह कुछ लिखा होगा, आपका रजिस्टर कोड इतना है, इससे आपने एक स्क्रीनशॉट भी लेनी है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा काम है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक और शेयर करें और हमें अपने खास दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।